शामली जनपद में आवारा पशुओं की बढ़ने के साथ साथ किसानों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। आवारा गौवंश लगातार किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। आवारा गौवंश से परेशान दर्जनों किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से आवारा गौवंश की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव हसनपुर निवासी दर्जनों किसान शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ किसानों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके गाँव में आवारा गौवंशों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, जो अब करीब 300 के लगभग पहुंच गई है। किसानों का कहना है कि उक्त गौवंश लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को दिन रात खेतों में पहरा देना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी आवारा गौवंश लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है और किसानों की फसल नहीं हो पा रही है, जिससे परेशान किसानों ने पीएम से उक्त आवारा गौवंश को पकड़े जाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि गांव में गौशाला भी है, लेकिन उसमें 30 से अधिक गौवंश नहीं रखे जा सकते। किसानों ने उक्त समस्या का समाधान कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं डीएमएम के पास, क्या मामला है? गांव में फिलहाल की जो है बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ लगभग जो है 300 की संख्या भी जा रहे हैं, सब खेत खा गए, जो सही जमे उसे भी यार खा जा, मतलब बहुत स्थिति खराब है, खेत होने की कोई संभावना है ही नहीं। अच्छा, आज डीएमएम के पास आए हो, क्या मांगे हैं आपके? मांगे तो भाई यही है कि हमारे बुजुर्ग को समाधान करे जाएगा और एक बिजली को भरा करे जा, ताकि 8 घंटे लाइट दिन में क्या रखता लाइट है 5 ही घंटे, अरे मांग है मैंने तो 8 घंटे लाइट रहती है कम से कम। तो गौशाला वगैरह नहीं है आपके गांव में? साला है, उसमें लिमिट कम है, 30 की लिमिट बता रहे, पशु है हमारे वहाँ लगभग 300-350। अच्छा, तो 30 में। अच्छा, ऐसे कितने किसान हैं जिनकी फसलें अब तक बीजारों ने बर्बाद कर दी? ऐसा कोई किसान नहीं है जिसकी फसल एक दो बार ना खा दी। अच्छा अच्छा, जो फागण के लगभग 3 फुट का होना चाहता वो जमीन से बाहर निकल पा अब तक। तो मांग ये है कि बिचारों का समाधान करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।